प्रणाम सभी को, राम राम। साथियों कैसे हो आप सभी। सावन के पावन महीने की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों मान्यता यह है कि सावन के पावन महीने में भोले शंकर भक्तों से प्रसन्न होकर उन पर कृपा भी करते हैं। ऐसा ही एक मामला हमारे जिला डोडा से सामने आया है। साथियों आपने पिछली वीडियो में देखा ही होगा कि किश्तवाड़ के पाडर एरिया में जहाँ पे भोले शंकर ने साक्षात दर्शन दिए थे जिसमें शिवलिंग प्रकट हुई थी, ऐसा ही मामला फिर से हमारे जिला डोडा के भवानी नगर में रहने वाले एक परिवार के साथ हुआ है। दोस्तों जब परिवार से बात की गई तो परिवार का कहना ये था कि हम काफ़ी समय से बीमार रहने लगे, लेकिन डॉक्टर्स के पास जाने के बावजूद भी परिस्थितियाँ ठीक नहीं हुई। लेकिन जब उन्हें सपना आया और सपने में उनसे कहा गया कि आप इस घर की इस दीवार को तोड़ें, और जैसे ही उन्होंने तोड़ा तो वहां पर भोले शंकर के साक्षात दर्शन हुआ। दोस्तों तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि ऐसी ही गुफा हमारे बाबा बर्फानी अमरनाथ में भी है, जैसे सेम टू सेम इस घर में भोले शंकर प्रकट हुए हैं। ये घटना है लगभग आज से 3 से 4 दिन पहले की, जहाँ पर भोले शंकर ने इस घर के अंदर साक्षात दर्शन दिए हैं। और इसके पीछे की कहानी दोस्तों, इस गुफा में ये जो आप फोटो देख रहे हैं ऐसा ही सेम टू सेम सुईगवाड़ी घड़सों में भी देखने को मिलेगा आपको। ठीक ऐसी ही गुफा घड़सों में भी जहाँ पे शिवधाम मेला हर वर्ष लगता है, वहाँ पे भी ऐसे ही भोले शंकर ने साक्षात दर्शन दिए हैं। साथियों जैसे ही इसकी सूचना स्थानीय लोगों को मिली तो अलग अलग स्थानों से श्रद्धालु अपने आप को रोक नहीं पाए और भोले शंकर की इस गुफा के दर्शन करने जा रहे हैं। और सावन के पावन महीने में इस घर के ऊपर भोले शंकर ने कृपा की और जिला डोडा का भवानी नगर जहाँ पे इस परिवार में इस घर के अंदर भोले शंकर साक्षात प्रकट हुए हैं। साथियों आपने पिछली वीडियो में भी देखा होगा कि जिला किश्तवाड़ के पाडर एरिया में भी शिवलिंग प्रकट हुई थी, वैसे ही सावन के महीने में ही दूसरी बार भोले शंकर ने जिला डोडा के भवानी नगर में साक्षात दर्शन दिए हैं और अलग अलग स्थानों से श्रद्धालु भोले शंकर की गुफा के दर्शन करने जा रहे हैं। साथियों ये बात है आज से ठीक 3 से 4 दिन पहले के। साथियों इस परिवार ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि भोले शंकर उनके घर आ रहे हैं। और परिवार का कहना ये था कि हम काफ़ी समय से बीमार भी रहने लगे, जिस वजह से वो डॉक्टर्स के पास भी गए लेकिन दवाइयां खाने के बावजूद भी कोई असर देखने को नहीं मिला। लेकिन जब उनके सपनों में ये चीज़ आने लगी तो उन्होंने इस द्वार को तोड़वाया और जिसके पीछे साक्षात भोलेनाथ प्रकट हुए। दोस्तों भगवान शिव ऐसे ही हम सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखें, घर करें, उन्हें ध्यान रखें। धन्यवाद।